की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ये जो टेंशन है ये ना पाकिस्तान को फायदा देती है ना हिंदुस्तान को फायदा देती है। मैंने जिस तरह कहा, मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डी एस्केलेट करने के लिए। हमने ये भी कोशिश की है कि बाकी अपने दोस्तों को भी, मैं शाम को मेरी बात हो रही है तुर्की के प्रेसिडेंट से भी, हम उनको भी कहेंगे कि इसमें करवाएं। लेकिन इसको, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। ये जो टेंशन है ये ना पाकिस्तान को फायदा देती है ना हिंदुस्तान को फायदा देती है। मैंने जिस तरह कहा, मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डी एस्केलेट करने के लिए। हमने ये भी कोशिश की है कि बाकी अपने दोस्तों को भी, मैं शाम को मेरी बात हो रही है तुर्की के प्रेसिडेंट से भी, हम उनको भी कहेंगे कि इसमें करवाएं। लेकिन इसको, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस।